मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सभी को जय हिंद। सभी स्टूडेंट का सपना यह होता है कि MBBS में उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिले ताकि उनकी फीस कम हो, क्योंकि इंडिया के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस काफी ज्यादा होती है। इंडिया में कम सीट होने के कारण सभी स्टूडेंट को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पाती है, लेकिन स्टूडेंट के ड्रॉप भी ज्यादा हो जाते हैं और वो आगे स्टडी भी नहीं कर पाते, तो वो सोचते हैं कि हम ऐसी कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज सर्च कर लेते हैं जिनकी फीस कम हो। तो इस वीडियो में मैं आपको सबसे कम फीस वाला स्टेट बता देता हूँ। छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट है जहाँ सबसे कम फीस रहेगी, और इस साल के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट ने अपने फीस डिक्लेयर कर दी है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या उसकी फीस रहेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारी बुक डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें मैंने सब कुछ समझा दिया है, काउंसलिंग प्रोसेस, सीट मैट्रिक्स, फीस वगैरह सब के बारे में जानकारी दी गई है। जो आप लेना चाहते हैं वो पूरी जानकारी है इसमें। टॉप से लोएस्ट के क्रम में कॉलेज को दिखाया गया है। इसमें आपको च्वाइस फिलिंग के लिए लिस्ट भी दी गई है कि आपने कैसे च्वाइस फिल करना है। ऑल इंडिया, आयुष, स्टेट सभी के लिए बुक है। आप इसको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या फिर हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.com से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपका एक कंफ्यूजन यहां दूर कर देता हूं कि इंडिया की इस साल के लिए सबसे कम फीस का स्टेट जो रहना है वो छत्तीसगढ़ स्टेट रहेगा। इस छत्तीसगढ़ स्टेट के अलावा बाकी किसी भी स्टेट की प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस इतनी कम नहीं रहेगी ओपन स्टेट में, यानी कि जहां पर अदर स्टेट के कैंडिडेट एडमिशन ले सकते हैं। तो ये सारा समझाने के लिए, इसकी क्या बैंक गारंटी रहेगी, क्या इसकी फीस रहेगी, क्या पर ईयर फीस रहेगी, क्या वन टाइम फीस देनी पड़ेगी, क्या इसमें सीटें रहेंगी, कितने कट ऑफ मार्क्स पर ये कॉलेज मिल सकते हैं छत्तीसगढ़ के, इसके बारे में मैं पूरा प्रोसेस समझाने के लिए आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पर लेके चलता हूं। तो आइए समझते हैं छत्तीसगढ़ स्टेट के बारे में। छत्तीसगढ़ स्टेट एक ओपन स्टेट है, यहाँ पर अदर स्टेट कैंडिडेट भी एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर अभी इस साल के लिए तीन कॉलेजेज हैं। सबसे पहले श्री शंकराचार्य भिलाई है, जिसमें 150 सीट्स हैं। 64 सीट्स छत्तीसगढ़ स्टेट डोमिसाइल कैंडिडेट के लिए हैं, 64 सीट्स अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए हैं, जिस पर सभी स्टेट के कैंडिडेट एडमिशन ले सकते हैं, जिनको मैनेजमेंट सीट कहा जाता है। इसके बाद में 22 सीट्स हैं वो NRI कैंडिडेट्स के लिए हैं। इसी प्रकार से रिम्स रायपुर में भी 150 सीट्स हैं। सीट का डिस्ट्रीब्यूशन इसी प्रकार से है। इसके बाद में इस साल के लिए जो नया कॉलेज ओपन हुआ है ये रायपुर में है, श्री बालाजी रायपुर में कॉलेज है, और इसके साथ में 1050 सीट्स का श्री बालाजी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल जुड़ा हुआ है, जो प्राइवेट बिगेस्ट हॉस्पिटल ग्रुप है। अब इसमें हम सीट्स की बात करें तो सीट्स इनमें जो दो कॉलेजों में हैं उसी प्रकार से इसमें भी सीट डिस्ट्रीब्यूशन इसी प्रकार से है। चौथा इस स्टेट में कॉलेज जो चंदूलाल चंद्राकर दुर्ग में था उसको परमिशन नहीं मिली है। ये 18 के बाद में 19 और 20 में इस कॉलेज को परमिशन नहीं मिल रही है कंटिन्यू। तो इस साल के लिए भी ये माना जा रहा है कि इस कॉलेज को परमिशन नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ स्टेट के लिए अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए तीन कॉलेज हैं जिनमें वो एडमिशन ले सकते हैं। एक भिलाई में है, दो रायपुर में है। सीट मैट्रिक्स मैंने आपको बता दिया है। अब हम इनकी बात करते हैं कि इसमें जो भिलाई का कॉलेज है शंकराचार्य, उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, इसके बाद में रिम्स रायपुर का क्या है और श्री बालाजी रायपुर का क्या है। तो श्री बालाजी रायपुर का जो फीस स्ट्रक्चर है, इन्होंने अपने वेबसाइट पर इसको जारी कर दिया है। तो इसकी जो फीस है श्री बालाजी मेडिकल कॉलेज की, वो 11,25,156 रुपए पर ईयर की फीस है ये। अब हम इसका एक बार तीनों कॉलेजों का फीस का कंपैरिजन देख लेते हैं कि कौन सी कॉलेज की कितनी फीस है। तो एक बार देखते हैं ट्यूशन फीस। तो ट्यूशन फीस शंकराचार्य भिलाई की और बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रायपुर की 6,45,156 रुपए है। इसमें इसके बाद में जो रिम्स रायपुर की फीस देखें तो वो 6,156 रुपीज है। इसके बाद सिक्योरिटी मनी की बात करते हैं तो शंकराचार्य भिलाई में 20,000 है, रिम्स रायपुर में भी 20,000 है, लेकिन श्री बालाजी रायपुर में ये 30,000 रुपीज है। हॉस्टल प्लस मेस तीनों कॉलेजेस में
2,00,000 रुपीज है। और यहाँ पर एक बात यह है, जो जानने वाली बात यह है कि यहाँ पर हॉस्टल कंपलसरी है, हर एक स्टूडेंट को हॉस्टल में रहना ही होगा। इसके बाद में क्लिनिकल और ट्रांसपोर्ट चार्जेज है, वो 80,000 भिलाई में भी है और रायपुर में भी है, लेकिन जो श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रायपुर है वहाँ का जो ट्रांसपोर्ट चार्जेज है वो 1,00,000 रुपीज है। इसके बाद में स्टूडेंट वेलफेयर फीस 20,000 है भिलाई और रायपुर में, इसके बाद श्री बालाजी में 30,000 रुपीज है ये। इसके बाद में लाइब्रेरी और आई कार्ड की जो फीस है वो 10,000 भिलाई और रायपुर में है, श्री बालाजी में 20,000 रुपीज है। एडमिशन फीस है वो 10,000 तीनों में है। इसके बाद मिसलियंस फीस है 35,000 भिलाई और रायपुर में है, इसके अलावा श्री बालाजी में 45 है। इसके बाद में कौशल प्रयोगशाला शुल्क है वो 40,000 भिलाई में है, 38,000 रिम्स रायपुर में है और 45,000 रायपुर में श्री बालाजी मेडिकल कॉलेज में। अब हम बात करते हैं इसकी जो एडमिशन के टाइम में फीस लगती है वो फीस की बात करें तो शंकराचार्य में जो फीस लगेगी वो 10,60,156 रुपीज लगेगी फर्स्ट ईयर में एडमिशन के टाइम में। रिम्स रायपुर की जो फीस की बात करें वो 10,13,156 रुपीज लगेगी। और श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रायपुर जो इस साल का नया कॉलेज है उसमें 11,25,156 फीस रहेगी। अब इस फीस में एडमिशन के टाइम में सिक्योरिटी फीस डिपॉजिट होती है, लाइब्रेरी आइडेंटिटी कार्ड फीस डिपॉजिट होती है और इसके बाद एडमिशन फीस डिपॉजिट होती है। ये फर्स्ट टाइम में ही होती है फर्स्ट ईयर में, उसके बाद आपको सेकंड ईयर थर्ड ईयर फाइनल ईयर में ये फीस डिपॉजिट करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो बाकी ईयर्स हैं उनमें शंकराचार्य में 10,20,156 रुपीज फीस लगेगी सेकेंड ईयर से। इसके बाद में जो रायपुर का है रिम्स रायपुर 9,73,156 रुपीज लगेगी और जो श्री बालाजी का है उसमें 10,65,156 फीस लगेगी। इसमें एनआरआई की फीस मैंने यह दिखा दी है, इसमें जो शंकराचार्य और रायपुर है इसकी 35,000 पर ईयर है और इसकी जो नई कॉलेज है श्री बालाजी उसकी फीस $38,500 फीस है इसकी पर ईयर की। तो इस प्रकार से ये फीस का स्ट्रक्चर आ चुका है। दो कॉलेजों की फीस ऑलरेडी 19, 20 और 21 में सेम है। इसके बाद में जो श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है उसने भी अपने फीस डिक्लेयर कर दी है, इसकी वेबसाइट पर आप फीस देख सकते हैं, फीस स्ट्रक्चर इसकी वेबसाइट पर पड़ा हुआ है तो आप इसकी फीस यहां से चेक कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई सीट मैट्रिक्स की और फी स्ट्रक्चर की जो 21 में रहने वाला है। मैं आपको फिर से बता दूं कि छत्तीसगढ़ स्टेट ही एक ऐसा स्टेट रहेगा जिसकी फीस इस साल के लिए सबसे कम रहेगी ओपन स्टेट के लिए, बाकी स्टेट्स में ओपन की फीस काफी ज्यादा है। अब हम बात करते हैं कि इसमें कट ऑफ क्या रह सकती है। तो प्रीवियस ईयर का अगर हम डाटा देखें तो फीस कम के कारण पिछले साल भी इसकी फर्स्ट और सेकंड राउंड में कट ऑफ काफी ज्यादा रही थी लेकिन मोपअप राउंड में थोड़ी सी कम आ गई थी कट ऑफ। तो इस साल के लिए अगर इसकी हम कट ऑफ की बात करें तो ये फर्स्ट और सेकंड राउंड के लिए हम मान रहे हैं कि इस साल 570 से अबव ही रहेगी, यानी कि 570 और 580 के अंडर ही रहेगी ये कट ऑफ। लेकिन हम मानते हैं कि मोपअप राउंड में 550 मार्क्स पर ये कट ऑफ जा सकती है। लेकिन आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि जो मोपअप राउंड में सीटें वैकेंट रहेंगी वो बहुत ही कम सीटें वैकेंट रहेंगी, तो आपको अदर स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का भी ऑप्शन साथ में लेकर चलना है। जैसे आप कर्नाटका, केरला, त्रिपुरा, यूपी, इन स्टेट्स के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग को भी साथ साथ लेकर चले, वो भी ऑप्शन रखें। ये कोई भरोसा नहीं है कि मोपअप राउंड में छत्तीसगढ़ स्टेट में सीटें वैकेंट रहें,
क्योंकि ये इस साल के लिए सबसे कम फीस का स्टेट है और इसकी कट ऑफ काफी ज्यादा हाई रहेगी। तो जो बात मैंने आपको बतानी थी वो सारी इस वीडियो में बता दी है। नई अपडेट के साथ में, नए स्टेट की फीस के साथ में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।